हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी लगभग 11 बजने वाले हैं और सुबह से पानी गिर ही रहा है। अभी लगभग लगभग बंद हो चुका है, वैसे तो मैं घर से बाहर आ चुका हूँ। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या सीन है। सभी मैं निकल चुका हूँ फाइनली मेरे घर से आपको आगे के सीन दिखाने के लिए। तो चलिए चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ आगे का सीन। देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है। तो चलिए मैं और आपको आगे ले चलता हूँ और दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो वीडियो में बने रहना, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो गाइस, अभी मैं उस वाले लोकेशन पे पहुंच चुका हूं जहां पे मैंने अपना फर्स्ट ब्लॉग शूट किया था। देख सकते हो यहां का लोकेशन कुछ ऐसा है। देख सकते हो यहां पे मक्का लगा हुआ था, वो बिल्कुल यहां से सूख चुका है और मक्का को तोड़ के ले भी गए हैं। गाइस, मैं अभी हमारे गांव के स्कूल के पास पहुंच चुका हूं। देख सकते हो हमारे गाँव का स्कूल। तो गाइस, अभी मैं पहुंच चुका हूं मेरे गांव के प्राइमरी स्कूल के पास। मैंने भी यहीं से अपनी प्राइमरी शिक्षा प्राप्त की थी, मतलब कि 5th class तक मैंने यहीं पे पढ़ा था। देख सकते हो स्कूल का हाल कुछ ऐसा हो रखा है। देख सकते हो गांव का स्कूल कुछ ऐसा होता है। और चलिए मैं आपको आगे की सीन दिखाता हूँ। तो गाइस, जैसे कि आपने अभी देखा मेरे गाँव का प्राइमरी स्कूल, आई होप आपको उसे देखने के बाद काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब चलते हैं आगे की ओर, मैं आपको आगे की सीन दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो मेरे गांव का रास्ता कुछ ऐसा है, अभी तक पक्की नहीं हुई है बट फिर भी जो भी है काफ़ी अच्छा है। तो गाइस, मैं अभी हमारे गांव के एक ऐसे जगह पे पहुँच चुका हूँ जिसे गांव का एक पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ पे गांव के लोग आके पूजा करते हैं। यहाँ के देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे पेड़ हैं जिसको बचाया गया है, इसको काटने से रोका जाता है। वैसे मैं इसके पास नहीं जा सकता, लेकिन उधर एक स्टेज भी है वहाँ पे, जो गांव का सार्वजनिक जैसे होता है सार्वजनिक कार्य, वो सारी चीज़ें होती है। अभी फ़िलहाल चलते हैं आगे की ओर, मैं आपको आगे की सीन दिखाता हूँ। कुछ ही दूर पर है हमारे गांव का सार्वजनिक तालाब, जहां पे हमारे गांव के सभी पशु पक्षियों को नहलाया जाता है और उसी का पानी को पिलाया जाता है और भी काफ़ी सारे कार्यों के लिए पानी को सप्लाई किया जाता है। तो देख सकते हो गाइस, ये है मेरे गांव का सार्वजनिक तालाब, कुछ ऐसा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको देखने के बाद अच्छा लगा होगा। यहाँ पर देख सकते हो सारे लोग अभी खेती कर चुके हैं और काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर हरा भरा देखने को मिल रहा है। चलिए और चलते हैं आगे की ओर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे ब्लॉग वीडियो को देखने के बाद पसंद आ रही होगी। चलिए चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं आगे का क्या सीन है। देख सकते हो गाइस, पूरा खेत भरा पड़ा है। तो यहाँ पे कुछ खेत में रोपा नहीं लगाए हैं। तो गाइस, ये है मेरे गांव का आंगनबाड़ी केंद्र, जो कि एक वहां पे भी था रहा है। वहां पे आपको दो स्कूलें दिख रही होगी, जो कि यहां पे वाइट कलर में है वो है प्राइमरी स्कूल, और एक साइड में दिख रही है आपको लेफ्ट साइड में वो है आंगनबाड़ी, और एक यहां पे भी है आंगनबाड़ी जो कि मेरे घर के पास ही है। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर और ब्लॉग में बने रहिएगा। ब्लॉग अगर पसंद आए तो लाइक भी कर देना गाइस।
तो गाइस अभी हम लोग को ये सबको करना है अंदर, तो इसलिए हम लोग इसको सबको मिट्टी सबको निकाल लेते हैं, उसके बाद करेंगे अंदर। देख सकते हो पानी मार रहा है, उसको भी अंदर करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं अंदर, उसके बाद चलते हैं। तो गाइस जितने भी कृषि के उपकरण थे उन सारे को अंदर करने के बाद अभी पानी फिर से आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हो, और लगता है दिन भर ऐसे करेगा, बंद हो के आता रहेगा। तो चलिए मैं आपको आगे की तरफ दिखाता हूँ। दिन भर पानी आया तो खेतों का क्या हाल हो रखा है, ये पूरा खेतों का क्या हाल हो रखा है। इसीलिए मैं इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड। हम जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो।